वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, अगर आप लोग टीचिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सभी के लिए बिग गुड न्यूज़ है। 2019 की पहली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें के अंतर्गत 2/1/2019 को नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसमें आप किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें आपको फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक कर देते हैं तो आप लोग जो है तो उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। यह पब्लिक नोटिफिकेशन इशू किया गया है सभी के लिए। एंगेजमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अंडर SSA इन सर्वोदय स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब होता है कि आपको साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, उसके बाद आपका काम देखा जाएगा। अगर आप लोग जो है तो काम में अच्छे होंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, और अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हुए आपके काम से तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। तो वैकेंसी आपको टोटल 115 देखने को मिलेंगे। बाकी नोटिफिकेशन दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग डाउनलोड करके कहाँ से अप्लाई करना देख लीजिएगा। वैकेंसी थोड़ा कम है बट आपको चांस अच्छा है क्योंकि इसमें BEd DEd वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीज टीचर आर प्रपोज टू बी एंगेज्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 30/1/2019 तक के लिए आपको जो है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, यानी 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है द कंसोलिडेटेड सैलरी के बारे में बात किया गया है कि सैलरी आपकी जो है तो 35,420 रुपये पर मंथ रहेगी और आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलावेंस नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी सैलरी जो है तो काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देन उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपका जो 10th+2 है इंटरमीडिएट यानी 10वीं और 12वीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा बोला गया, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टीचिंग डिपार्टमेंट का। और आपके ने जो 10th+2 सेकेंडरी लेवल पास किया उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो काफ़ी ईजी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एज बोला गया है कि 13/1/2019 से काउंट किया जाएगा और आपको रिलैक्सेशन जो है तो 5 ईयर का मिलेगा ST/SC के लिए और 3 ईयर का OBC के लिए। अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप है तो 13 ईयर का, और बाकी लोगों के लिए 10-15 फिजिकल हैंडीकैप में देख लीजिएगा। डिसेबिलिटी है जो ST/SC में उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर्स बताए गए हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इसको जो है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए जो मैं बता रहा था, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट अदरवाइज हिज हर अप्लीकेशंस विल बी कैंसिल्ड। अगर आप कई डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर देते हैं तो भी आपका जो है तो अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑफिशियल लिंक है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और यहाँ पर 13/1/2019 से आप लोग जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया, सीधे नोट में बताया गया है, नो करेक्शन अपडेटेशन ऑफ द अप्लीकेशन फॉर सैलरी अलावेंस वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको करेक्शन का चांस नहीं मिलने वाला है। और आप लोग जो है तो यहाँ पे बताया गया 13/1/2019 तक शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। द मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी ऑपरेटेड 5/1 से 1 बजे तक। 5/1/2019 से स्टार्ट हुआ है, 1 बजे से लेकर 13/1/2019 5 बजे तक चलने वाला है शाम के। बस यही 2 पेजों का PDF था जो मैंने आपको बता दिया है, और इस PDF का लिंक मिल जाएगा, साथ में ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।